अरे वो पारस मेले मत खोलना, मैं बोल रहा नहीं खोलना नहीं। यही था मन, हाँ ओके ये सही है। ए हाँ कर जस्टर, ये धीरे से हाँ कर रही है मोमेंट, हाँ का हम बोला वो अच्छे वो हाँ किया दिखा रहा है। मैं एक बनना चाहती है शक्तिशाली, मैं एक ईशा को हर एक मुसीबत से सेफ रखना चाहती है। योगिनी बैग अपनी नानी की मुख में ये ढूंढ रही होती है कि वो कैसे खुद को और भी शक्तिशाली बना सकती है। मैं खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करती है कि तभी महक के पास पहुंचा अरमान। अरमान को पता है कि महक के पास योगिनी के पावर्स है, महक के पास ऐसे पावर्स है जो भेड़ियों के पास नहीं होते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या महक कर पाएगी अरमान की मदद। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रिका अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो प्लीज महक विलास के बारे में बता दीजिए, बता दीजिए। अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा। महक पर या आपके परिवार पर किसी भी खतरे के आज तक नहीं आने दूंगा। से मना कर दिया, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी, पर एक नाम लिया उन्होंने। सिकंदर मतलब क्या? सिकंदर के पास वीर की चोट का इलाज हो सकता है। मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिकंदर तो हमारी हत्या करेगा।